हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में आप देखेंगे कि यूपी इलेक्शन में कैसे ईवीएम से धांधली हो रही है और ये डेमोक्रेसी से खिलवाड़ भी है। आइए देखते हैं। जो भाजपा वाले थे और सबको हाथ पे उंगली पे सियाही लगा रहे थे और पैसा बांट रहे थे, बोल रहे थे वोट नहीं देने जाना है और पैसा दिए। हम बात ही करे तब तक हमारे हाथ में इसे पकड़ के तब तक लगा दिया, चुआ दिया। क्या बोल रहे थे आप? वोट नहीं देना है कहीं भी और पैसा भी थमा दिया तुम्हें। किस पार्टी के लोग थे? भारतीय जनता पार्टी। हम जी उठाए लो। अभी इस तरह की कई गांव में घटना हुई है कि पूरे जिले में लोगों के उंगलियों पर दलित वर्ग के लोगों के निशान लगाए गए हैं। स्याही लगा देना, कन्वर्ट दे मत जाए। कितना पैसा था? 500 जबरे खींच के लगा देना। हालांकि उत्तर प्रदेश में कुछ कुछ जगहों पर स्लो वोटिंग और बिजली जाने की खबरें भी आई। आपने जहां वोट दिया वहां नहीं हुआ, साइकिल पे आपने दबाया लेकिन वो चला गया, भूल पाया। लाइट भूल गई। भैया आपने बटन कौन से नंबर का दबाया था? 3 नंबर का साइकिल का। आया कौन सा नंबर का वोट? अमौली गांव के पास यूपी विधानसभा चुनाव में स्ट्रांग रूम बनाए गए। बस्ती मंडी समिति परिसर के बाहर टूटी 4 दीवारी और उसके पास वीवीपैट से निकली पर्चियां मिलने के बाद बवाल मच गया। मौके पर ईवीएम एड्रेस टैग और कुछ अन्य कागजात भी मिले हैं, जिसके बाद प्रशासन पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। एग्जिट पोल ने उत्तर प्रदेश के बारे में एक ट्रेंड बताया है कि भाजपा की सरकार बन रही है। ये देखो पेपर में आ गया, कभी स्पष्ट बहुमत से तो कभी सामान्य बहुमत से और कभी बहुत ज्यादा सीटों से। मगन हो के नाचूंगा मैं मुबारक। बनारस के पहाड़िया मंडी इलाके में सपा कार्यकर्ताओं ने ईवीएम से भरा ये ट्रक पकड़ा, इसके बाद जमकर हंगामा हुआ। अरे हम तो कहता हूँ इसमें जरूर कोई विरोधी बैठ गया था। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि ऐसे 2 और ट्रक थे जो फरार हो गए और इरादा गड़बड़ी का था। अगर नेता बनना है ना तो गुंडे पालो, गुंडे बनो नहीं। ईवीएम किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते। ये सरकार बहुत ऊंचाई पर जाने की कोशिश कर रही, उसको आप लोग खींचने की कोशिश ना करें। प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? देख इस देश में सब कुछ हो सकता है, सरकारी महकमा बड़े देश के बड़े बड़े फैसलों में छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। अगर आपको ईवीएम को मूव करना है, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। ये गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग होती जा रही है हर तरीके से। हम लोग एक नया एग्जाम्पल सेट करेंगे एक नए भारत का। अखिलेश यादव ने बरेली और सोनभद्र में भी ईवीएम इधर उधर किए जाने का आरोप लगाया। प्रशासन अपनी सफाई दे रहा है। वो सेल्फ रेपुटेशन भी तो कोई चीज होती है ना भाई। यही कह रहा है कि वो प्रशिक्षण के लिए ईवीएम जा रही थी और जो मेन ईवीएम है वो स्ट्रांग रूम में बंद है और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। चुनाव फेयर हो या ना हो लेकिन दिखना चाहिए कि फेयर। लेकिन यहाँ आए मौजूद कोई भी व्यक्ति इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। बस कुछ समय की तो बात है। जो प्रोटोकॉल हुआ, जो ईवीएम का मूवमेंट था उसमें त्रुटि हुई, ये बात है, उसमें त्रुटि हुई, इसका मैं रिपोर्ट भेजवा रहा हूं। ईवीएम का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं, बल्कि इसका मतलब हो चुका है एवरी वोट मोदी। मैं जवाबदेह हूँ, आई एम अकाउंटेबल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। Beast when it goes in, ice cold frozen, the first round draft pick number 1 chosen.